कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2019 में पीएम बनने की इच्छा जताई तो सियासी गलियारों में बवाल मच गया। पीएम मोदी ने बाल्टी वाला उदाहरण देकर राहुल गांधी का जमकर मजाक उड़ाया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि साल 2019 में अगर हमारी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो पीएम बन सकते हैं, लेकिन शिवसेना ने राहुल गांधी का बचाव किया है। सुनिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी के लिए कौन सा किस्सा सुनाया था। जिस गाँव में पानी की किल्लत होती है और गांव को पता चलता है कि भाई मंगलवार को दोपहर 3 बजे पानी का टैंकर आने वाला है, तो गांव के भले भोले लोग क्या करते हैं, जहां टैंकर के आकर के खड़े रहने की जगह होती है, सुबह से जाकर के वहां अपनी बाल्टी रख देते हैं, फिर दूसरा अपनी बाल्टी रखता है, फिर तीसरा, सारे गांव वाले एक कतार में अपनी बाल्टी लगा देते हैं और 3 बजे टैंकर आएगा उसका इंतजार करते हैं। और लोग इतने ईमानदार होते हैं कि बाल्टी रख करके अपने घर काम के लिए चला जाता है, कोई किसी बाल्टी को छूता नहीं है, और फिर जैसे ही टैंकर आता है बाल्टी बारी बारी से भरता है। लेकिन आपने देखा होगा गांव में एकाध दबांग होता है, सरफरा होता है, कानून व्यवस्था को मानता नहीं है, लोकतंत्र को मानता नहीं है, नियमों को नहीं मानता है, वो 3 बजे ठीक पहुंच जाता है, यूं यूं छाती करके निकल के आता है और बाकियों की बाल्टियों को दूर करके खुद की बाल्टी सबसे पहले रख देता है और टैंकर का पानी पर उसी का हक है सबसे पहले ले लेता है। कल कर्नाटक में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा ही हुआ। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा, 40-40 सीनियर नेता पड़े हैं उनका जो होता होगा, उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।